तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर गुरदासपुर वाली साइड। तो अभी सुबह से तो कुछ भी मौसम अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा जैसे ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, मतलब बहुत ज़्यादा, आप सबको भी पता ही होगा। तो बस अभी हम मम्मा आए हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं। टाइम 5 बज गए हैं शायद, 5 4 5 ही बजा है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, हमारी बाइक भी रेडी है बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी है। तो अभी हम निकलते हैं। तो अभी हम निकल चुके थे दीदी के घर की तरफ। सबसे पहले हम बिगवाल से रडा मोड़ की तरफ जाते हैं, वहाँ से गुरदासपुर की तरफ। उसके बाद हम एक पुल क्रॉस करते हैं जो हमारे कपूरथला एंड गुरदासपुर को दो हिस्सों में बांटता है। और फिर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू आ रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड सुनहरी धूप, हरा हरा घास, हरे हरे पेड़ पौधे, सड़क के आसपास खड़ा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा चिकड़ भी हो रहा था। फिर हम धीरे धीरे वहाँ से और आगे बढ़े तो वहाँ फिर एक सड़क चला जाता है बटाला की ओर और एक चला जाता है गुरदासपुर की तरफ। तो हम गुरदासपुर वाली साइड मुड़ गए। तो वहाँ जाते जाते हम ऐसे आसपास देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड मैं बाइक भी ड्राइव कर रहा था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर ऐसे हम जाते जाते फिर हमारा एक छोटा सा रास्ते में शहर टाइप एरिया है, वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ से कुछ भी लिया नहीं, बस ऐसे ही चले गए वहाँ से देख दुख के। तो रास्ते में जाते जाते एक अल्टो कार थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी एंड आई होप कि उसमें जो भी सफ़र कर रहे थे सब ठीक है। एंड जब हम दीदी के घर एंटर हुए उनके गांव के में, तो सबसे पहले वहाँ एक गुरुद्वारा आता है जो ऐसे कुली वाला बाबा के नाम से जाना जाता है एंड मतलब बहुत सही जगह है। जैसे वहाँ मेला भी लगता है जनवरी में एंड अब देख ही सकते हो कि कितनी प्यारी जगह लग रही थी ना, कि जैसे सुनहरा आसमान, उसके बीच में हर तरफ बस हरियाली हरियाली एंड पपीज एंड साइकिल, मतलब बहुत सही था एंड हर कोई बस मेरे हेलमेट की तरफ देख रहा था जो मैंने पहना हुआ था। मतलब लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैंने अपने हेलमेट के आगे गन लगाया हुआ है कि उनको मैं फायर कर दूंगा। फिर हम रास्ते में पहुंच के जाते जाते अपनी दीदी के यहाँ और उनके गांव के पास से एक लेक गुजरती है जिनको वो पवित्र गंगा के नाम से जानते हैं एंड उनमें बच्चे कुछ नहाते भी हैं। तो मतलब एक बार मैंने भी ट्राई किया था लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ी बीच में जाने की, तो अभी बस इतना ही। मंकू 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 मामू इधर वे मामू रुक जा।
एंड इसी के साथ हम दीदी के घर से वापस आ गए अपने गांव। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हमने फ़न किया, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू भी आए एंड बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग भी की मैंने। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, एंड शायद आने वाले कुछ व्लॉग मैं पंजाबी में भी बनाऊँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो। एंड आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप इतना सपोर्ट करते हो। सच बताऊँ तो मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं हूँ, सो बहुत ज़्यादा थैंक्स आपका सपोर्ट के लिए।